Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, class 5th. I hope you all are fine. Alhamdulillah. Okay, now students, kindly open page number 90 of your science book. As you all know, student, that plant need energy from light to grow. Plant ko kya chahiye? Energy chahiye. Light se, jiske liye wo grow kar sake. Plants are made up of different parts. Plants alag alag parts se bana hota hai. And each one is important. और हर प्लांट का पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द फ्लावर्स, वो फ्लावरिंग प्लांट्स इन द पिक्चर. कैन यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? आप लोगों को यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स दिख रहे हैं, आप इनके नाम बता सकते हैं? ऑब्वियसली हमने फ्लावर के प्लांट के पार्ट्स पढ़े हैं, है ना, तो हम इसके पार्ट्स ही बता सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेबल द डायग्राम यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक बिलो. हमें वर्ड बैंक का यूज़ करके डायग्राम को लेबल करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्ट इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. नेक्स्ट पार्ट इज लीव, LEAF, लीव. C part is stem, STEM, stem. And the D part is root, ROOT, root. So student, today you all have to draw this diagram along with these four parts in your science notebook. This is your homework. आज आपको इस flowering plant को अपनी copy में बनाना है इसके four parts के साथ, okay? And color it also. जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा.